सलमान खान के शो बिग बॉस ओटीटी 2 ग्रैंड फिनाले के साथ ही खत्म हो गया है। इस सीजन ने इतिहास रच दिया है। शो में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट ने शो को जीता है। इसके विनर को लेकर काफी क्रेज बना हुआ था। फुकरा इंसान और अलविश यादव के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा था। ऐसे में गैस कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था कि दोनों में से कौन जीतेगा, लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया है। सलमान खान ने ऐलान कर दिया कि अलविश यादव ने अपने सिस्टम से पूरा घर हिला दिया था और बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर अलविश यादव बन गए हैं। अलविश यादव को विजेता के तौर पर 25 लाख रुपए और बिग बॉस की चमचमाती हुई ट्रॉफी मिली है। चारों फाइनलिस्ट पूजा भट्ट, मनीषा रानी, फुकरा इंसान और बेबिका को पछाड़ते हुए अलविश यादव ने विजेता का ताज अपने सर पर सजाया है। इस खबर के बाद से ही सोशल मीडिया पर अलविश के फैन जश्न मना रहे हैं। अलविश के फैंस को पहले से ही कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा था कि शो की ट्रॉफी अलविश ही लेकर जाएगा। जहां वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले कंटेस्टेंट को आज तक किसी ने भी विजेता के तौर पर नहीं देखा था, वहीं अलविश ने घर में एंट्री के साथ ही अपना सिस्टम कायम कर दिया था। सिर्फ बिग बॉस के घर के अंदर ही नहीं बल्कि बिग बॉस के घर के बाहर भी अलविश यादव को लोगों का काफी ज्यादा प्यार मिला है। वहीं अलविश के विनर बनने पर उनके दोस्त और कॉम्पिटिटर फुकरा इंसान भी खुश हैं। दोनों ने पहले ही कहा था कि भाईचारा उनके लिए टॉप पर है। हमारी तरफ से भी अलविश यादव को खूब बधाई।